हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूँ एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और जिसको हम विदाउट एक्स वाई जेड के हल करेंगे और हमारा सॉल्यूशन बहुत ही इजीली होगा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चनों को लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो देखिए, एक व्यक्ति क्वेश्चन नंबर 31 से हल करेंगे। एक व्यक्ति 1,008 रुपए में दो बकरियां खरीदता है। देखो, दो बकरियों की लागत कीमत है 1,008 रुपए। वह एक बकरी को 20% आने पर दूसरी बकरी को 40% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करो। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि वह दोनों बकरियों को समान कीमत पर बेच रहा है, यानी कि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा, बराबर के बराबर। देखिए, इधर हानि पर बेच रहा है, पहली बकरी को 20% हानि है तो 80% पर बेच रहा है, और दूसरी बकरी को 44% लाभ पर 100 में जोड़ कर लिखेंगे 144% में बेच रहा है। अब ये इक्वल इसलिए लगाया क्योंकि उसने कहा दोनों को समान कीमत पर बेचता है, तो बराबर के बराबर। और दोनों खरीदी गई थी 1,008 रुपये में दोनों। तो देखिए, यहाँ इक्वल टू इक्वल इनको हम सरल रूप में छोटा करेंगे, काट कर देंगे, परसेंट से परसेंट, 16 पंजे 80, 16 9 144। और जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया है कि बराबर का मान अपना होता है। देखिए, हानि की जो अनुपातिक मान है 9 और लाभ का अनुपातिक मान है 5, तो हानि का 9 है, लाभ का 5 है। अब वो ये कह रहा है कि दोनों 1,008 में खरीदी, तो यहाँ हमारा दोनों का टोटल क्रय मूल्य इतना है, तो हमारा यहाँ दोनों का जब विक्रय से विक्रय काटते हैं तो क्रय मूल्यों का अनुपातिक रूप आ जाता है। ये क्रय मूल्यों का अनुपातिक रूप ही है ये। तो देखिए, दोनों का टोटल 9 5 14, अब इक्वल टू इक्वल हो गया, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो 14 7 98, दो बज गया, हो गया 28, 14 2 28, काट गया ये इक्वल टू इक्वल से। अब उसने पूछा है हानि पर बेची गई बकरी की कीमत, तो हानि पर अनुपातिक 9 है, 72 की 9 में गुणा करेंगे तो हानि पर बेची गई, हानि पर बेची 72 गुणा 9 कितने रुपए में बेची, 9 2 18, 1 9 7 63 1 64, 648 रुपये में। हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 648 रुपये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 27 रुपये और विक्रय मूल्य का 10% लाभ पर उसको बेचता है। अब यानी कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, अब इस क्रय मूल्य जो वस्तु खरीदी 27 रुपए में, इस पर वह 10% का लाभ लेकर बेचना चाहता है। तो हमने जैसे बताया था, लाभ को 100 में जोड़कर लिखेंगे 110% का बटे 100 लिख देते हैं, ऐसे बेचना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो देखिए, 27 का 110% कितना होता है, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 0 से 0। अब इसको हल करेंगे, 11 7 77 87, 11 2 22 7 29, और 10 से भाग देंगे तो एक हम छोड़कर दशमलव यहां लगेगा, 29 रुपये 70 पैसे कह सकते हैं आप इसका आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 29 रुपये 70 पैसे, ऑप्शन ए है 29 रुपये 70 पैसे। क्वेश्चन नंबर 33, रबड़ की कीमत में 25% की कमी के बाद एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है। देखिए, 1 रुपये में, 1 रुपये में 2 रबड़ खरीद पा रहा है, कब, 25% की कमी के बाद। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, 25% को लिख सकते हैं 1/4।
तो एक रुपए पर एक बटे चार की कमी के बाद दो रबड़ अधिक खरीद पाता है। अब एक रुपए में कितनी रबड़ मिलेगी? देखिए इसको हल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। ऊपर रुपए की संख्या होती है, बटे में वस्तुओं की संख्या होती है। एक ही कम है रुपया हो गए और बटे चार दुनी आठ, तो एक रुपए में आठ रबड़ मिलेगी। देखिए एक रुपए में आठ रबड़ मिलेगी, कितनी रबड़? आठ रबड़। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया आठ, एक रुपए में आठ रबड़ मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तब लाभ % ज्ञात करो। देखिए विक्रय मूल्य का 13/15 में खरीदा, ये आनुपातिक मान है इनका। अब विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचता है, विक्रय मूल्य बटे के मान को दर्शा रहा है 15 को आनुपातिक मान को, और ये क्रय मूल्य को दर्शा रहा है 13 क्रय मूल्य है, विक्रय 15 है, आनुपातिक रूप के मान है 13/15। अब इस अनुपात पर ये हम 12% अधिक विक्रय मूल्य बढ़ा रहे हैं। देखिए 15 विक्रय मूल्य को 12% और बढ़ा रहा, तो 15 का 12% देखते हैं, 12 15 180, 100 तक बात करेंगे इतना हो गया, 1.80 रुपये बढ़ा रहा। तो 15 में 1.80 रुपये बढ़ाएगा तो नया विक्रय मूल्य हो गया 16.80 रुपये और क्रय मूल्य है 13 रुपये, अनुपातिक रूप में देख रहे हैं हम। अब देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 13 से 16.80 है तो 3.80 का लाभ है, तो लाभ % ज्ञात करेंगे, 13/3.80 × 100% का चल, 2 जीरो से 2.2 हट जाएंगे और 380/13 को अमल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 13 × 26 12 बज गए, हो गए 120, 13 × 9 = 117, 3 बज गए और बटे 13, यानी कि हमने इसको जब भाग किया 380/13 को तो 29 सही 3/13% आया, तो लाभ % हुआ 29 सही 3/13। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 29 सही 3/13%। क्वेश्चन नंबर 35, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तब वस्तु का लागत मूल्य बताएं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लैंग्वेज से बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा और इसमें हम इक्वल टू इक्वल का भी यूज करेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरह समझना, जैसे यहां पर मैं क्रय मूल्य की वैल्यू को दर्शा रहा हूं, K4 क्रय मूल्य। अब देखिए यदि ऊपर को जाएंगे तो लाभ % दर्शाता है, नीचे को आएंगे तो हानि % दर्शाएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं इसके अकॉर्डिंग, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले, देखिए यदि उस व्यक्ति को 5% की हानि थी, हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, देखिए हानि के बदले, यानी यदि उसको हानि थी तो उसने क्या करा 5% के लाभ पर बेच दिया, तो उसने अपनी हानि को भी पूरा कवर करा, क्रय मूल्य तक आया। उसके बाद यहां से उसने और क्रय मूल्य से अधिक जो उसने लिया 5% और लाभ कमाया उसने, तो 5% लाभ पर पहुंच गया। इसका मतलब होता है उसने अपनी 5% की हानि कवर करके 5% का और लाभ कमाया, तो इसका मतलब 10% को कवर करा इसने, और जैसे ही 5% का लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, इधर 5 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं और इधर वह अपनी जो इनकम है उसे हानि के बजाय उसे लाभ पर पहुंचा रहा है, तो 5% की हानि भी कवर की उसने और 5% का और ऊपर लाभ लिया, तो इस प्रकार
10% तक वह पहुंच गया। जैसे उसने 10% कवर करा तो उसके अकॉर्डिंग से 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो ये 10% इसलिए आ रहा है यहाँ, देखिए 10% इसलिए आ रहा है, इसे आता है। तो इक्वल टू इक्वल हो गया ये। अब वैसे मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ सामने के 5 की हानि 5 का लाभ दोनों को जोड़ कर लिख दो बराबर 5 रुपए अधिक के, तो ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना। उसको समझना चाहिए कि कैसे ये हानि को कवर करके फिर लाभ भी ले रहा है। तो 5% की हानि पर से उठकर वह 5 का लाभ पर पहुंच रहा है, तो 10% का कवर कर रहा है। तो 10% के बराबर 5 रुपए अधिक होते हैं, तो इक्वल टू इक्वल हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए परसेंट की 2 0 और 10 से 500 को भाग करेंगे, 50 बार कटेगा। तो वस्तु का लागत मूल्य था 50 रुपए, ऑप्शन सी है 50 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, इक्वल टू इक्वल का प्रयोग हो रहा है, इधर 990 रुपए में बेचा जा रहा, इधर 10% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 110% में बेचा जा रहा। जैसे ही विक्रय से विक्रय को काटेंगे तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। देखिए काटते हैं 110 नम्मा 990 और परसेंट की 2 0, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है वस्तु का क्रय मूल्य था 900 रुपए। अब वह उसे 890 रुपए में बेचता है। यदि वह उसे 890 रुपए में बेच दे, जो उसने 900 रुपए की खरीदी थी, यदि वह उसको 890 में बेच दे, तो यहाँ से पता लग रहा है उसको हानि हो रही है। जब 900 रुपए की खरीद रहा है और 890 रुपए में बेच रहा है तो हानि हो रही है उसको 10 रुपए की। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो बताओ उसको लाभ या हानि कितने की होगी। तो उसको हानि 10 रुपए की होगी, 10 रुपए की हानि होगी। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 10 रुपए की हानि। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपए अधिक मिलते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी पढ़ाया था मैंने, यदि वह हानि परसेंट को कवर करके लाभ परसेंट पर पहुंच रहा है तो उसे 13 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उसने हानि कवर करके लाभ भी ले लिया, तो उसने 12% की हानि प्लस 12.5% का लाभ, 12.5% की हानि 12.5% का लाभ, तो उसने 25% कवर कर लिया। अभी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था मैंने। और जिसके कारण उसे 13 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 25% अधिक पहुंच गया हो तो यहाँ 13 रुपए अधिक मिल गए, हो गया इक्वल टू इक्वल, यानी बराबर के बराबर। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे, देखिए परसेंट की 2 0 लगाएंगे, अब 25 से काटेंगे, 25 5 125, 5 बजे हो गए 50 25 2 50, यानी कि 52 बार बचता है इससे। तो वस्तु का क्रय मूल्य था 52 रुपए, ऑप्शन सी 52 रुपए। बहुत ही आसानी से हल कर दिया। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मैथ इतना कठिन नहीं होता है, बस मैथ्स की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल पर ध्यान रखना, बस यही मैथ्स है। कंपटीशन में इससे ज्यादा आप तरह तरह के ट्रिक्स में आप उलझ जाओगे, सूत्रों में उलझ जाओगे और बहुत सारे क्वेश्चनों के अलग अलग ट्रिक्स आपको डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को हल करने का मात्र एक ही कॉन्सेप्ट और सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इससे आप हर सवाल खत्म कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, लैंग्वेज से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही परसेंट हानि होते हैं। देखिए किसी वस्तु को जब वह 50 रुपए में बेच रहा है तो उसको हानि होती है, और यदि हानि हमें नहीं मालूम तो हम 100% की हानि लिख सकते हैं या 1 की हानि लिख सकते हैं, -1 या 100%। देखिए आप, और जितने परसेंट का लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है, देखिए यदि वह उस वस्तु को 70 रुपए में बेच रहा है तो उसे उतने परसेंट का लाभ होता है जितने परसेंट की उसे हानि होती है। देख लीजिए इसे लाभ,
अगर 100% ये आ गए, 100% का लाभ, यदि माइनस एक के आ गए तो प्लस एक का लाभ, ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, क्योंकि इसको हल करेंगे यही आएगा, 100 एकम 100 माइनस 1, 100 एकम 100 प्लस 1, यही आता है। देख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों का अंतर कितना हो गया 20, और हमारे दोनों का अंतर कितना हो गया माइनस एक और प्लस एक, दोनों का अंतर 2 हो गया। देखिए कैसे, अधिक में से एक कम को घटाते हैं, देखिए प्लस एक में से अंतर का चिन्ह आ गया और माइनस एक घटाएंगे तो कितना होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1, कितना हो गया 2। देखिए दोनों का अंतर, अब अगर आप इसको भी हल करेंगे यही आएगा, 100 एकम 100 प्लस 1, 100 एकम 100 माइनस 1, वही है सेम। देखिए बहुत ही आसान है, तो दोनों का अंतर 20 और हमारा दोनों का अंतर हो गया 2, इक्वल टू इक्वल हो गया 2 दाएं 20। यदि 10 की गुणा हम 1 में करेंगे तो 10 एकम 10, इसका मतलब जब वह वस्तु 70 रुपए में बेची जा रही थी तो उसको 10 रुपए का लाभ हुआ था, तो पता लगा क्रय मूल्य हो गया 60 रुपए। देखिए 70 में बेची गई, 10 का लाभ हुआ इसमें, तो 70 में से 10 घटाएंगे क्रय मूल्य 60, और यदि 10 की गुणा इसमें करेंगे जब वह वस्तु बेची जा रही थी 50 रुपए में, तो 10 एकम 10 10 रुपए की हानि हो गई थी, 50 रुपए में बेचने के बाद 10 रुपए की हानि थी, तो यदि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना तो हानि को भी 50 रुपए में जोड़ देंगे तो 60 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इन दोनों से हमें पता लग रहा है वस्तु का क्रय मूल्य था 60 रुपए। देखिए अब हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम हल करेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य था 60 रुपए, यदि वह 60 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच रहा है तो उसे 10 रुपए की हानि होती है, तो हम यहां से हानि प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। देखिए हानि प्रतिशत, 60 रुपए पर 10 की हानि, तो 0 से 0 बटा 1/6 दर्शाया जाएगा, 16 से 2/3% की हानि। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 16 से 2/3% की हानि। अब देखिए इसको एक तरीके से और कर सकते हैं आप, इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने और बताया था, 50 रुपए जब हानि को बेच रहा है, मतलब उतने परसेंट हानि पर बेच रहा है जितने परसेंट के लाभ पर उसने 70 में बेचा, तो ऐसी स्थिति में बताया था मैंने क्वेश्चन को पहले भी, 50 और 70 को जोड़ लेंगे 120 और 2 से भाग दे देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 60 रुपए, ऐसे भी पढ़ाया था मैंने, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 60 रुपए। अब देखो अब हम यहां से क्वेश्चन को हल करेंगे, अगर कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी गई है और वह 50 रुपए में बेची जा रही है तो 10 रुपए की हानि होती है, तो 60 पर 10 रुपए की हानि होती है, तो यहां से हम हानि परसेंट याद कर लेंगे, और उसने हानि परसेंट तो कहा ही है, हम लाभ परसेंट भी याद कर सकते हैं, हमारा लाभ परसेंट भी उतना ही होगा। देखिए अगर इसने कहा क्वेश्चन में कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर हानि प्रतिशत बताया 16 से 2/3, तो उतने का ही लाभ होगा, 16 से 2/3% का ही लाभ हो सकता है। देखिए जैसे हानि परसेंट निकालना 0 से 0 1/6, तो 16 से 2/3% की हानि हो गई हमें। अब देखिए लाभ भी निकाल के दिखा रहा हूं मैं, आप देखिए जब हमारी वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए है और वह 70 रुपए में बेची जा रही है तो 10 रुपए का लाभ हो रहा है, तो देखिए यहां से आप लाभ परसेंट भी याद कर सकते हैं,
रैम मूल्य 60 रुपये पर 10 का लाभ 0 से 0 1/6 तो वही आ गया 16 से 2/3% का लाभ। तो हमारा लाभ भी इतना ही है 16 से 2/3% और हमारा हानि भी इतना ही है 16 से 2/3%। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो, तो दोनों का सेम को आंसर है 16 से 2/3%। क्वेश्चन नंबर 39, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 30% लाभ तथा उसे बेचते हुए 30% का लाभ कमाता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं 100 बार ज्ञात करेंगे। एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% का लाभ, 100 पर कितने का लाभ ले रहा है 20% का, 120/100। फिर वह बेचते हुए भी 30% का लाभ 130/100। अब इसको हम हल कर लेंगे उसका कुल लाभ आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो और इन 2 जीरो से 2 जीरो 13 और 12 की गुणा करेंगे 13 दूनी 26 2 13 2 15 100 से कितना अधिक है ये 56 अधिक है तो 56% का लाभ हुआ है तो उसे कुल लाभ 56% का हुआ है। देखिए या तो आप इसको ऐसे हल कर लीजिए या इसका सेकंड मेथड और है जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ, यदि आपको याद है तो पहले भी पढ़ाया हुआ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 20 का लाभ प्लस 30 का लाभ प्लस दोनों की गुणा 20 30 की गुणा हो गया 600/100% का चिन्ह, आप ऐसे भी कर सकते हैं वो इस क्वेश्चन को। देखिए 30 और 20 50 और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी 6 ही हो गया 50 और 6 56% का लाभ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 56% का कुल लाभ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है, प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाते हुए आगे बेचा जाता है, यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा हो तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करो ये पूछा है, तो यहाँ पर भी हम इक्वल टू इक्वल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए पहला ले रहा है 25% का लाभ, 25% को हम 5/4 भी कह सकते हैं, देखिए ऐसे 100 में जोड़ के लिखेंगे 125/100, 25 5 25 4 ऐसे 5/4 भी लिख सकते हैं, और इसी प्रकार दूसरा विक्रेता भी 25 का 5/4 और तीसरा विक्रेता भी 25 का ही लाभ लेता है 5/4 और वह तीसरा विक्रेता उसे 250 रुपये में बेचता है। देखिए 250 रुपये में बेचता है, तो यहां से आप इसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट कह सकते हो। कैसे? देखिए यहाँ 250 रुपये में बेच रहा तो इधर भी इनका विक्रय मूल्य ही हो रहा है। कैसे? देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। देखिए ये क्रय मूल्य है तो जब वह वस्तु को बेचता है तो क्रय पर ही तो लाभ उठाया जा रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ उठाया जाता है तो वस्तु बेची जा रही है। तो देखिए हो गया विक्रय बराबर विक्रय अर्थात इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया। देखिए तो यहाँ से ये होता है, बस स्टूडेंट्स को ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है लैंग्वेज के थ्रू, तो बस मैथ्स यही है, इससे अलग मैथ्स नहीं है। देख लीजिए इससे अलग मैथ तो है, तरह तरह के ट्रिक्स बता के आपको टीचर्स उलझा देते हैं, आप उनको याद और रट्टा मारना लगते हैं तब वो क्वेश्चन आ जाता है। वो तो हम भी करते हैं, ट्रिक्स तो हमसे बहुत सारी आती है बट वो आपके लिए काफी हानिकारक होगी क्योंकि आप एग्जाम के टाइम उनको भूल जाएंगे। तो एक सीधा सा सरल सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो सभी क्वेश्चनों पर फॉलो हो जाए, और वो है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। ये सभी क्वेश्चन को आसानी से कर देगा, हर चैप्टर के लैंग्वेज के सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आप देखते रहना, मैंने कई सारे चैप्टर पढ़ा दिए जैसे एचसीएफ एलसीएम प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सब में देख लेना मैंने इक्वल टू इक्वल लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज किया है। आप देख सकते हैं सभी वीडियो को, और आगे भी जितने चैप्टर में कराऊंगा सभी में यही कॉन्सेप्ट यूज रहेगा। तो अब आप इसको हल कर लीजिए, देखिए 5 5 25 5 125 2 2 250
अब इनकी गुणा करेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा, देखिए 4 × 16 × 64 × 128 रुपए लागत मूल्य था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 128 रुपए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा यदि आप लैंग्वेज को समझ जाएंगे, वरना आपको डिस्टर्ब कर देता है ये क्वेश्चन। देखिए, रवि ने कुछ चॉकलेट 2 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीदी, यानी कि 1 रुपए में 2 चॉकलेट खरीद ली और उन्हें 1 रुपए में 5 बेच रहा। तो देखिए, 1 रुपए में 2 खरीद कर लाया और 1 रुपए में 5 बेच रहा, तो उसको तो हानि हो रही है, 3 की हानि हो रही है, यानी कि 3 चॉकलेट और घर से दे रहा है, तो इसका मतलब हानि हो रही है। 5 बेचने से 1 रुपए में 5 बेचने से उसे 3 की हानि होती है, तो यहाँ से हम हानि परसेंट ज्ञात कर लेंगे। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना दिया मैंने, पूरी लैंग्वेज को बिल्कुल फिनिश कर दिया। देखिए, ये आ गया। अब 3/5 को आप कह सकते हैं 20, 25, 20, 30, 60% की हानि, या आप इसको हानि को ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 से काटा 20 बार 20 × 60 60% की हानि। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 60% की हानि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा, इस टाइप के क्वेश्चन में और पढ़ा चुका हूं मैं, 2 क्वेश्चन इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। देखिए, इस तरह का पढ़ाया था, ये लागत मूल्य होगा 10 की हानि पर, यदि वह 10 रुपए अधिक बढ़ा दे उस वस्तु का दाम, 10 रुपए अधिक बढ़ाकर बेचे तो उसे 10% का लाभ हो जाता है। देखिए, 10 रुपए अधिक बढ़ाने से 10 की हानि ये कवर करता है यहाँ तक, और फिर 10% का और लाभ प्राप्त करता है, तो 10 रुपए बढ़ने के साथ साथ उसे 20% को कवर करना पड़ता है। तो देखिए, -10 ये और आगे 10 और बढ़ा, तो 20% के बराबर हो गया ये 10 रुपए, हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर, परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 20 × 100 और 0 ये आ गया, तो 20 से 1050 बार कटेगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 50 रुपये। ऑप्शन ए है 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करो यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपए है। तो देखिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ज्ञात करेंगे वस्तु की उत्पादन कीमत, यानी लागत कीमत पूछ रहा है, और उस पर 10% का लाभ उत्पादक कमा रहा है 110/100, और थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाता है 115/100, और खुदरा विक्रेता 25% का लाभ कमाता है 125/100, और यदि खुदरा मूल्य 1265 रुपए है तो उत्पादन कीमत ज्ञात करो। देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल, अब इसको अमल कर रहे, देखना 0 से 0 25 × 125 25 × 100। अब देखिए, 11 से काटते हैं, अब इसको हम 5 से काट दीजिए, इसको 5 से काटा 20 बार ऐसे, अब 11 से हम इसको काट रहे, 11 × 11 एक बज गया, हो गया 16 × 11 = 11 5 × 11 = 55 इधर 115 का, इधर भी 115 कट गया, ये अब ऊपर कुछ नहीं रहा, नीचे बटे में रह गया 10, 20 और 4, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 20 × 80 × 10 = 800, क्रय मूल्य 800 रुपये हो जाएगा, तो उस वस्तु की उत्पादन कीमत थी 800 रुपये, ऑप्शन सी है 800 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हो रहा है, ये भी सभी क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से है। देखिए एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, खुद दे दिया इक्वल टू इक्वल, तो लिखते हैं 2750 नारियलों का क्रय मूल्य बराबर है 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना। तो देखिए छोटा कर लेंगे, 0 से 0 25 से इसको 11 बार 25 दाम 250। तो देखिए बराबर का मान अपना लागत 10 है और विक्रय मूल्य है 11। यदि 10 की चीज खरीद कर 11 में बेचे तो उसको 1 का लाभ होता है, तो 10 पर 1 का लाभ, तो लाभ परसेंट आ जाएगा यहाँ से 1/10 होता है 10% का लाभ। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 10% का लाभ।